Hello, NEET UG aspirants and future doctors. Welcome to NEET UG Guidance YouTube channel. NEET UG Guidance is the one-stop solution provider for all your queries related to NEET UG counseling procedure and admission process. नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नीट गाइडेंस। आज हम यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कुछ और सीटों का बढ़ोतरी हुई है, कुछ और स्टेट में कुछ और सीटें बढ़ी गई हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा सेकंड राउंड में। पहले भी हम लोग इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, इसका उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 30 जून 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन और रिलीज करा है ईडब्ल्यूएस कोटा सीट्स के लिए, जो अलग अलग सीट में सीट एडमिटेड के उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ सीटें जो पहले इंक्रीज करी गई थी वो 21 जून 2019 को जो सीट्स इंक्रीज करी गई थी वो विड्रॉन कर दी गई है, तो यानी वो सीट डिलीट कर दी गई है सर्टेन केसेस में। तो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में आपके सामने दो टेबल डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, आप वो टेबल ए और टेबल बी आप देख सकते हैं। पहले टेबल में है दिल्ली। दिल्ली में टोटल 5 कॉलेज है। पहले कॉलेज की अगर हम बात करें डॉक्टर बीएसए कॉलेज रोहिणी में यहाँ पे 125 सीट परमिटेड करी गई है। दूसरा कॉलेज जो एलएचएमसी न्यू दिल्ली में है 240 करी गई है। तीसरा कॉलेज एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में 60 करी गई है। यूसीएमसी में 170 करी गई है और वीएमएमसी में 170 करी है। गोवा में एक ही कॉलेज में करी गई है, गोवा मेडिकल कॉलेज में 180। गुजरात में काफ़ी सारे कॉलेजों में की गई है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलेज 170 करी गई है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो गुजरात में है 170 करी गई है, जीएमईआरएस पटन में 170, जीएमईआरएस गांधीनगर में 170, जीएमईआरएस वडोदरा 170, जीएमईआरएस हिम्मतनगर 170, जूनागढ़ में भी 170 हुई है, गुजरात जीएमईआरएस अहमदाबाद में भी 170 हुई है, वाडनगर में भी 170 हुई है, वलसाड में भी 170 हुई है, बनस मेडिकल कॉलेज पालनपुर 170 की गई है, गुजरात जायडस मेडिकल कॉलेज दाहौड़ में जो है इसमें भी 170 की गई है, पंजाब में एक ही कॉलेज में बढ़ाई गई है, गुरु गोविंद सिंह एमसी फरीदकोट में 125 है, पौडुचेरी में भी एक ही हुआ है, आईजीएमएस 180 के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश यूपी में भी 5 कॉलेज में सीटें परमिटेड हुई हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 150 सीटों के साथ, डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ में 200 के साथ, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी में है यूपी में 150 सीट परमिटेड हुई है। यहाँ पे एमएलएन मेडिकल कॉलेज अलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में 200 सीटों के साथ सीट परमिटेड हुई है। यूपीयूएमएस जो इटावा में है उसमें 200 सीट बढ़ाई गई है, जो सीट परमिशन हुआ है वो 200 का हुआ है। तीसरी टेबल में आप देखेंगे कि पंजाब में 3, उत्तर प्रदेश में और 4 ईएसआईसी में हुई है। यहाँ पे जो विड्रॉन करी गई थी 21 जून 2019 को जो डिलीट कर दी गई है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले टेबल में भी बताया था, यहाँ पे सीट परमिटेड इतनी थी और जो विड्रॉन करी गई थी वो इतनी थी, आप इसे टेबल में देख सकते हैं। नीट 2019 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ऑल स्टेट कोटा काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज AFMC, ESIC, Medical and Dental Colleges, latest updates regarding registration and online application process, notifications, last dates, counseling process, admission procedure, choice filling, visit our website www.neetugguidance.com and call our toll-free number 1-800-3133-989. If you want to know college-wise, category-wise, detailed cutoff under All India Quota, State Quota, Management Quota and NRI Quota, visit our website www.neetugguidance.com and call us to helpline number 1-800-3133-989. If you like this video and want to see more videos like this, don't forget to press the subscribe button and the like button given below. And do press the bell icon to get the notifications of the latest videos. Thank you.